देखें, हर एजेंसी का अपना अपना रोल है, ठीक है ना। ये जो आपने कहा कि ये बाजार में बिक रही है इसको रोका जाए, ये मैंडेट कस्टम्स का नहीं है। कस्टम्स का मैंडेट आता है ट्रेड को, जहां गुड्स पाकिस्तान में एंटर हो रही हैं बॉर्डर्स के थ्रू, अगर ट्रेड उसका ठीक, यानी जो रूट उसकी है वो ठीक नहीं है, या वो प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही, अगर ये जिस तरह हशीश की आपने मिसाल दी, नशावर चीज़ों की आपने बात की, इनके कंट्रोल, इनकी जो ट्रेड को डिस्करेज करना है, सामान को पकड़ना है गुड्स की हद तक, ये सीज करना, उनको पकड़ना, डिस्करेज करना, ये कस्टम्स का रोल है। उसकी बाज़ार में अगर वो बिक रही है तो ये पुलिस की भी जिम्मेदारी बन जाती है, और ये यानी रिटेल लेवल पे अगर कोई इसको, यानी अगर अगर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इलेजिटिमेट ट्रेड इसमें हो रहा है, तो ये कस्टम्स का मैंडेट नहीं है। हमारा काम है कि जी जिस तरह कोई चीज़ इंपोर्ट होती है मुल्क के अंदर, यानी जो लेजिटिमेट रूट्स हैं वहाँ पर हम अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें। दूसरा हमारा काम ये है कि जो रूट्स नोटिफाइड नहीं हैं उन रूट से अगर कोई चीज़ आ रही है उसको हम पकड़ें, उसमें तमाम गुड्स आ जाती हैं, यानी जहाँ पर 2S आता है या नोटिफाइड लिस्ट हमारी आती है, जो चीज़ें हमें पकड़नी हैं जो कि बाज़ार में नहीं बिक सकती, हम उनको यानी बल्क में बहुत बड़े पैमाने पे जो काम हो रहा है उसको, यानी उस ट्रेड को, इलेजिटिमेट ट्रेड को हम डिस्करेज करते हैं। आपने जो बात की वो थी कि ये जो बाज़ार में आम लोगों को मिल रही है, ये रोल फिर ये कस्टम्स के मैंडेट से बाहर चला जाता है, ये फिर पुलिस का रोल आ जाता है। बहुत अच्छी आप काविशें भी। ये सामान जो आज हमने जलाया है इसकी कुल मालियत जो है ये तकरीबन 66 मिलियन के करीब है, यानी 6.5 करोड़ के करीब, और उसमें मेजर आइटम जो हमारे पास हैं वो हैं छालिया है तकरीबन 27 टन के करीब, और अजीनोमोटो जो है वो तकरीबन 20 टन के करीब है, और सिगरेट्स के जो डंडे कहलाते हैं उनमें तकरीबन कोई 7,500 के करीब हैं, 7,700। बाकी छोटे से बाकी और आइटम भी हैं, जिस तरह शीशा वगैरह के लिए जो फ्लेवर्ड आजकल सिगरेट चल रहे हैं, तो वो कुछ और चीज़ें हैं, खशकाश भी इसके अंदर है, और सफीना गुटका जो बैन है आइटम है इंडिया का वो भी है इसके अंदर। तो टोटल मालियत जो मैंने आपको बताई तकरीबन 65.9 मिलियन रुपीज़ है, और ये पिछले कैलेंडर ईयर का है, यानी अगर उसको पिछली पहली जनवरी से लें, 1 जनवरी 2021 से लेके और तकरीबन ये दिसंबर तक का पीरियड जो है, तकरीबन इसमें पूरा 1 साल कैलेंडर ईयर का पीरियड शामिल है जी।